हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2 मीन्स हिस्ट्री लेसन नंबर 3 दैट इज़ मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेस। सो यहाँ पे दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस गिवन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? भोंसले। इसमें से सेकंड ऑप्शन क्या है? विठोजी। थर्ड का आंसर क्या है? तो थर्ड का आंसर ये है मलिक अंबर। और इनके आंसर्स ये अंडरलाइन करके गिवन है। अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्लैंक गिवन है, आपको फिलअप करना है। सेकेंड में आदिल शाह, थर्ड में किंगडम ऑफ निज़ाम शाह, फोर्थ में लखुजी राव जाधव। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का देखिए, जैसे सिंध खेड़ दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? जाधव। फल्टन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन निम्बाड़कर। जावली करेक्ट ऑप्शन इज मोरे। मुधोल करेक्ट ऑप्शन इज घोरपड़े। तभी सबका आंसर सबके सामने दिया गया है। रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में क्या रिलेशन था? तो मालोजी और विठोजी के बीच में क्या था? दोनों ही भाई थे। शाहजी राजे लखुजी राव जाधव क्या थे? सन इन लॉ थे और फादर इन लॉ थे। शाहजी राजे एंड शरीफ जी दोनों भाई थे। बाबा जी राजे और विठो जी राजे फादर एंड सन थे। ऑड वन आउट बताना है, बाबा जी राजे, मालोजी राजे, विठो जी राजे। तो इसमें से दो भाई कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑड वन आउट कौन सा है? तो ये दो ब्रदर ये थे। टू ब्रदर्स अगेन दिया गया है, 3 ऑप्शंस। तो शिवाजी राजे ये ऑड वन है, ये दोनों भाई थे। फादर एंड फादर इन लॉ तो शरीफ जी, ये क्योंकि ये दोनों सही हैं। अभी यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया हमने बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, हु पुट अप अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स टू डिफेंड निज़ाम शाह। तो देखिए ये 4 ऑप्शंस गिवन है, थर्ड वाला करेक्ट है तो 3 लिखा है। हु रिस्टोर्ड द टेम्पल ऑफ घृणेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, तो किसने किया था? मालोजी राजे भोंसले ने वापस से उसे ओरिजिनल कंडीशन में लाया था, बनवाया था। विच जागीर, कौन सी जागीर विस्ट्रो कर दी थी अपॉन मालोजी राजे बाय निज़ाम शाह द्वारा? तो देखो यहाँ पे दिया गया जागीर ऑफ पुणे एंड सूपे परगनास ऑन मालोजी राजे। हु फॉट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही, किसने ब्रेवली से लड़ा निज़ाम शाही बचाने के लिए? मलिक अंबर और शाहजी राजे। विद वॉट टाइटल डिड द आदिल शाह ऑनर शाहजी राजे, तो यहाँ पे देखिए राजे विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। व्हाई डिड शिवाजी लीव आदिल शाह इन रिटर्न टू निज़ाम शाही? शाह तो यहाँ पे बोला गया कि शाहजी ने आदिल शाही छोड़ के निज़ाम शाही में क्यों रिटर्न आया? तो उन्होंने इसलिए लेफ्ट किया उसे क्योंकि इन रिस्पॉन्स टू द अपील मेड बाय निज़ाम शाह, मतलब निज़ाम शाह की माँ ने अपील किया निज़ाम शाही को बचाने के लिए, इसलिए वो आए। व्हाई डिड द मराठा यूथ लाइक टू एंटर द आर्मी, तो उनको क्यों? क्योंकि वे क्या थे? ब्रेव थे, टफ थे और फियरलेस थे, डर नहीं था उनको। हु सेट अप द ट्रेडिशन ऑफ वेलोर इन महाराष्ट्र, किसने सेटअप किया? तो जो जो ब्रेव मराठा सरदार जैसे जाधव, भोंसले, निम्बालकर, इन लोगों ने ये ट्रेडिशन ऑफ वेलोर इन महाराष्ट्र में स्थापित किया, सेटअप किया। 2, 2, 3 आंसर में आंसर लिखना है। होम डिड द मराठा सरदार सर्व, नेम अ फ्यू ऑफ द सरदार्स, तो मराठा सरदार ने किसको किसको सर्व किया, किस किस किसकी में काम किया? तो देखो आदिल शाह ऑफ विजापुर, निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर। मोर फेमस उसमें से कौन थे जो उन्होंने किया सर्व?
तो जाधव ऑफ सिंधकेट, निम्बाड़कर ऑफ फल्टन, घोरपड़े ऑफ मुधोल, मोरे ऑफ जावली और भोसले ऑफ वेरुल। राइट ब्रीफली अबाउट द जाधव ऑफ सिंधकेट। तो जो जाधव थे उन्होंने क्या क्लेम किया कि वो किसके डिसेंट हैं, किसके वंशज हैं, फ्रॉम द यादवाज ऑफ देवगिरी, जो देवगिरी के यादवाज थे उनके। शिवाजी की माँ जो जीजाबाई थी वो डॉटर थी लखुजीराव जाधव सिंधखेड़ के। मेंशन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मराठा सरदार्स। तो क्या फ़ायदे नुकसान थे, तो देखो जो मराठा सरदार थे वो ब्रेव थे, वैलियंट थे, बहुत बहादुर थे। वे किसके अगेंस्ट लड़े, वो वन अनदर एज दे सर्व टू राइवल मास्टर्स। दो जो राइवल मास्टर्स थे सुल्तान साहब बीजापुर एंड अहमदनगर, उनके ही अगेंस्ट लड़े। दे नेवर थाट दैट दे शुड यूनाइट। उन्होंने ये कभी, वो आपस में लड़ते रहे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उन्हें एक होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए और कुछ अपने लोगों के लिए करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं सोचा। गिव रीज़न में आ जाते हैं। सभी जो वैलर और ब्रेवरी थे मराठा सरदार्स में, उन्होंने सर्व किया क्या, इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। देखो मराठा सरदार्स ने क्या किया, वर एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर और बीजापुर एंड फॉट अगेंस्ट वन अनदर। अभी हमने देखा कि एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े आपस में ही। दे डिड नॉट फॉलो द आइडियल दैट दे शुड यूनाइट, ये जस्ट हमने देखा ना। तो अभी सेकेंड है, द भोसले बिकेम रिच एंड पावरफुल। वो ऐसा क्यों हुआ, निज़ाम शाह जो था उसने कन्फर किया जागीर ऑफ पुणे एंड सूपे परगनास ऑन मालोजी एंड विठोजी भोसले। इससे क्या हुआ, जो पावर थी इन्हेंस हुई, बढ़ी उनकी इन्फ्लुएंस। एज अ रिजल्ट भोसले रिच और पावरफुल बने। मुगल एम्परर मेड एन अलायंस विद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। मुगल एम्परर जो थे उन्होंने क्या किया, अलायंस किया, जो बनाया आदिल शाह ऑफ बीजापुर के साथ में। द मुगल एम्परर वॉन्टेड टू कॉन्कर निज़ाम शाह किंगडम। तो देखो जो मुगल एम्परर था वो क्या किया, वो जीतना चाहता था निज़ाम शाह का किंगडम। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि निज़ाम शाह क्या था, निज़ाम शाह हैड इन हिज सर्विस एंड एबल सरदार शाहजी राजे। उनके में कौन था, बहुत ही योग्य सरदार थे शाहजी राजे और कैपेबल वजीर मलिक अंबर थे। आदिल शाह हैपन टू बी निज़ाम शाह बिटर एनिमी। तो आदिल शाह क्या बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गया, निज़ाम शाह का कड़वा एनिमी बन गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मुगल एम्परर ने क्या किया, अलायंस बनाया विद आदिल शाह बीजापुर। शाहजी राजे लेफ्ट द सर्विस ऑफ निज़ाम शाह। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, शाहजी राजे टायर्ड हो चुके थे, ये अनसेटल कंडीशंस थे, और इसीलिए शाहजी राजे ने निज़ाम शाह का सर्विस जो थे उनके अंडर वो मतलब काम छोड़ दिया। अभी इन्फॉर्मेशन देना है 3 to 4 सेंटेंसेस में। भोसले ऑफ वेरुल, तो देखो यहाँ पे दिया गया है बाबा जी राजे कौन थे, पाटिल थे वेरुल के। तो उनके दो बेटे थे मालोजी राजे और विठोजी राजे। तो उन्होंने क्या किया, सिक्योर किया जागीर ऑफ पुणे एंड सूपे फ्रॉम निज़ाम शाह। शाहजी राजे और शरीफ जी दोनों बेटे थे मालोजी राजे के। तो शाहजी राजे क्या थे, बहुत ही बहादुर सरदार थे निज़ाम शाही के सर्विस में। शाहजी राजे के बारे में लिखना है, तो देखिए शाहजी राजे द सन ऑफ मालोजी राजे, मालोजी राजे के बेटे थे। उन्होंने बहुत ही, उनका बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट था निज़ाम शाह के दरबार में। तो शाहजी राजे किसके अगेंस्ट लड़े, मुग़लों के, किसे बचाने के लिए, निज़ाम शाही बचाने के लिए। उन्होंने आदिल शाह का कोर्ट ज्वाइन किया बीजापुर में, टू एंटागोनिज्म इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह ही वॉज ऑनर्ड। उन्हें सर लश्कर के ऑनर से सम्मानित किया गया। किसके अपील पे, निज़ाम शाह की माँ के अपील पे उन्होंने आदिल शाही छोड़ दी और निज़ाम शाह में वापस आ गए। ओके, तो आंसर इन वन वर्ड्स, तो हु सक्सीडेड मलिक अंबर एज वज़ीर ऑफ अहमदनगर। ये सारे आंसर आप कर सकते हो क्योंकि टेक्स्ट बुक में, और अभी जो हमने पढ़ा उस समय ये सारे आंसर्स गिवन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।